स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा श्री राम प्रकट दिवस मनाया गया। रामलीला मैदान में संस्कृति विभाग के कलाकारों ने दी प्रस्तुति, गणमान्य रहे मौजूद। हरिपुरा निवासी दो युवक त्रिवेणी घाट बेदवा नदी में गए थे रामनवमी पर। आयुष दीक्षित और अमन दीक्षित के शव मिलने से फैली अफरा तफरी, पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। और जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत ग्राम हासुआ में होगा स्टॉप डैम का निर्माण। भूमि पूजन के मौके पर पहुंचे वरिष्ठ जन। अब खबर विस्तार से। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा रामलीला परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्कृति विभाग के कलाकारों ने जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर उमा शंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथ ही यहाँ पर अपनी रघुकुल पहले नृत्य की बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति देंगे। साथ ही हैदराबाद से आप सबको आज भगवान राम के प्राकट उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जीवन पूरा सार्थक होता है और परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है कि भगवान राम के आदर्श को हम माने। वैसे भी हमारे यहाँ चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे हम, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं वहीं उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टी जन उपस्थित थे। महात्मा ज्योतिराव जी फुले की जन्म जयंती है। 1840 में आपने जन्म लेकर महाराष्ट्र के छोटे से गांव से समाज को शिक्षित करने का आपने काम किया और सबसे पहला बेटियों के लिए विद्यालय आपने खोला। आपने समाज की कुरीतियों को दूर कर समाज में समरसता लाने का एक अलग जगाया था। उसके सुखद परिणाम भी हमारे समाज में आए। वास्तव में महात्मा फुले जैसे समाज सेवी के कारण ही आज हमारे देश में जातीय भेद समाप्त हुआ है, वर्ग भेद समाप्त हुआ है और बेटियां आज जो शिक्षित हो रही हैं। निश्चित रूप से आप जैसे महापुरुषों ने जो अलग जगाई थी उसी का परिणाम है। आज हमने बड़े श्रद्धा के साथ उनको याद किया है, उनकी जन्म जयंती पर ये संकल्प लिया है तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बेटियाँ विद्यालय के अभाव में या अर्थ के अभाव में जो है शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा शिक्षित कराकर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हमारे अनुसूचित जाति समाज के सभी बंधु करेंगे। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ अनुसूचित जाति समाज के सभी बंधुओं को। मछुआरा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष दीपक रेखवार को बनाने पर उनकी शुभ चिंतकों द्वारा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टी जनों ने फूलमाला से उनका स्वागत किया और बधाई दी। आज भारतीय जनता पार्टी में
मछुआरा प्रकोष्ठ है उसमें जिला संयोजक के हिदायत पर मित्र दीपक रैकवाल जी की नियुक्ति हुई है और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वैसे मुकेश टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिले के कप्तान हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश सिंह जालौन साहब, और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने एक सच्चे कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी। जिला संयोजक का पद मिला है जी, आपको जो जिम्मेदारी मिली किस तरीके से निर्वह करेंगे आप? ये बिल्कुल अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा काम करूँगा, तो और समाज को साथ में लेकर चलना है। किन किन को धन्यवाद देंगे आप इसमें? सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भाई साहब मुकेश भाई साहब और हमारे मंडल अध्यक्ष जी सुरेंद्र चौहान जी और हमारे वरिष्ठ लोग हैं कमल रेखवाल जी, मैन साहब नेताजी और हमारे कौशल भाई साहब और बाकी सारे मित्र मंडल है जो, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं की मेहनत आज कामयाब हुई है जो मुझे मतलब इस दायित्व से मतलब दायित्व प्राप्त। रविवार के दिन रामनवमी पर हरिपुरा निवासी दो युवक बेतवा के त्रिवेणी घाट पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे। दोनों युवक रविवार को घर से निकले थे। आयुष दीक्षित और अमन दीक्षित की शव बेतवा नदी में मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों के शवों को पीएम के लिए जल अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि सेल्फी के दौरान नदी में गिरने से मौत हुई है, वहीं हत्या की आशंका भी जाहिर की जा रही है। फिलहाल मामले की गुत्थी उलझी हुई है, पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। कल रामनवमी थी और दोनों दर्शन त्रिवेणी घाट पर दर्शन करने जा रहे थे। एक मेरा भतीजा है और दूसरा मेरे चाचा का लड़का है, वो भी भतीजा है, और दोनों यहाँ पर कह के गए थे कि हम मंदिर जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। हालांकि वो गई भी और बेतवा नदी पर उन्होंने 12 के आसपास एक स्टेटस डाला हुआ था, और इस स्टेटस से मतलब एक प्रति थोड़ा पर उन्होंने त्रिवेणी घाट पर जाके बनाया होगा शायद। और इसके बाद में फिर वहाँ पर एक मोबाइल छोटा जो आंसू दीक्षित था उसका मोबाइल वहीं मिला हुआ था। क्या नाम थे, कहाँ रहते हो, कितनी उम्र होगी इनकी? ये हरिपुरा रहते हैं। तो स्टेटस में क्या डाला जी? स्टेटस में क्या डाला है? स्टेटस में अपनी जो चरण तीर्थ का जो श्रीराम मंदिर रहेगा ना उसकी परिक्रमा लगा रहा था, वो स्टेटस डाला। इसके बाद में 12 मतलब हम लोगों ने जब जानकारी लगी तो 3-4 बजे दोनों का मोबाइल बंद आ रहा। दोनों की उम्र कितनी होगी लगभग, नाम क्या? आन दीक्षित है 26 साल और आशु दीक्षित है 18 साल। नाम क्या है? मेरा खुद का बड़े भाई का लड़का भतीजा आयुष दीक्षित, उसका घर का चालू नाम आशु दीक्षित है, और एक मेरे ताऊ के लड़के का लड़का यानी वही मेरा भतीजा होता है अमन दीक्षित। दोनों सुबह 11 बजे के दरमियान निकले त्रिवेणी राम मंदिर का कहकर। अपने में हुआ क्या कि लगभग 2-3 घंटे में कोई पता नहीं चला, 2 बज गए, 1:30 का टाइम था मतलब। फिर एक फ़ोन आया एक अननोन नंबर से मेरे बड़े भाई के पास जिनका लड़का आशू, उसने बताया सर आप आयुष दीक्षित के पापा बोल रहे हैं क्या? अब उसको कैसे पता कि जी आयुष दीक्षित का नंबर है या मतलब, सवाल तो बहुत उठते हैं। और लड़के ने मिसगाइड करा, पहले बोला कि ऊपर में लाए, फिर बोला कि नीचे में लाए। मुझे शक है कि हो सकता है लड़का ही घटना को अंजाम दे गया हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है। लोगों का कहना है कि सेल्फी भी ले सकते, ये बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है उस लड़के ने धक्का दे दिया हो। वहाँ कौन देख रहा है? वहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, वहाँ का ना कोई आई विटनेस है जिसने देखा हो। जी कितनी बोलिए, हम ये चाहते हैं हमारा भतीजा तो गया, और जी प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही मानूंगा मैं, भले मैं एक सास के पद पर पदस्थ हूँ, क्योंकि रामनवमी का माहौल था, पब्लिक आ रही थी जा रही थी, दो पुलिस कांस्टेबल वहां पे होना। नवरात्रि का पर्व भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रि में ज्वारे बोए जाते हैं जिनका विसर्जन बेतवा नदी के बड़ वाले घाट पर किया गया। ज्वारे विसर्जन के समय होमगार्ड जवानों की तैनाती सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। सर जी कहाँ तैनात हैं अभी आप? अभी हम लोग की जो टीम है जो बेतवा बाड़ वाले जो घाट है उस पर जो आज ज्वार विसर्जन हो रहा है उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से हमारी SDRF की और होमगार्ड की टीम लगाई। कितने लोग कितने कर्मचारी तैनात हैं अभी? लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडिंग एम के हनौतिया जी के सानिध्य में हमारे यहाँ पर 11 लोगों की टीम तैनात है, और मोटरबोट और पूरे संसाधन के साथ हम लोग अपनी चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होती है उसी दिन से हर मंदिर में अखंड स्थापना भी की जाती है, और विधि विधान से जो पूजन की अंतिम जो यात्रा होती है पूजन के सामग्री जवारे वगैरह यहाँ पर सराई जाती हैं, सभी लोग यहाँ पे आके जवारे सराए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था कोई इंतजाम नहीं है,
सबसे बड़ी सोचा थी कि अभी गाय वगैरह जो घूम रही हैं, जो भी आपने स्वयं देखी है कि भीड़ में घुस रही थी, कई महिलाएं पानी में गिरने से बची, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयागराज जूनागढ़ अखाड़े के साधु संतों की टीम बेतवा स्थित बड़ वाले घाट पहुंची, जहां बड़ वाले घाट पर बेतवा की दुर्दशा देखकर उनका मन खिन्न हो गया। जीवनदायिनी पुण्य सलिला बेतवा की हालत देखकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से मीडिया के माध्यम से कही है। वहीं उन्होंने बेतवा की दशा के जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग भी की है। अंधविश्वास चलता है उज्जैनों में, और मैं यहाँ दशहरे मेला के तहत आया था, और जाना तो हमको उज्जैन है, और मैं तो यहाँ रात भर के लिए रुक गया हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ ना तो दशा मैदान के लिए कोई लेटरिन वगैरह है, दो चार यहाँ सरकारी नगर पालिका की तरफ से लेटरिन यहाँ होना चाहिए। ये बहुत पुराना ही प्रसिद्ध स्थान है, ये चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है हमारे पीछे, ये साठ में दर, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ चमत्कार यहाँ अच्छा प्रकरण सुंदरीकरण होना चाहिए, और बेतवा में बारह महीना हर समय थोड़ा बहुत चलना चाहिए, तो इसका जो सुंदरीकरण बना रहेगा, ये निर्मल जल बना रहेगा, और हम यही चाहते हैं। ये हमारा बेतवा नदी यहाँ बहुत जल बहुत वैसा हो रहा है गंदा सा, तो यहाँ हमारे जितने मेला भी भरा है। धन्यवाद तो संगम। क्या नाम है आपका? शमशान भारती। शमशान भारती, अच्छा किस उद्देश्य को लेके आए हैं, किस पर्पज से आए हैं यहाँ पर आप? दशहरा मेला। कहाँ पर है अभी आप वर्तमान में? वर्तमान नहीं, कहाँ पर? चमत्कारी मंदिर जी। ये कौन सी नदी है? क्या कमी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जल की बहुत कमी है जी। जल की कमी है। ग्राम पंचायत हसुआ में पानी रोकने के लिए स्टॉप डैम का निर्माण कराया जाएगा, जिसके भूमि पूजन अवसर पर ग्राम हसुआ में पानी को रोकने के लिए स्टॉप डैम का भूमि पूजन किया गया। जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों ने कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर रणधीर सिंह ठाकुर, मोहर सिंह रघुवंशी सरपंच सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। इतने से घूम के इतने को नहीं आने, लेकिन है ना। आज हमारे ग्राम हसुआ में जल संवर्धन योजना के अंतर्गत जल संवर्धन कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी ठाकुर साहब, हमारे हसुआ के सरपंच मेरे छोटे भाई दीपक लोधी जी, आप सभी को मालूम है कि आज ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश को पूरा आह्वान किया है, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे मनमोहन सिंह ये चाहते थे जितनी भी नदी हैं उनको जोड़ें और जल का एक ही साथ अपन धाराओं में बहाएं, उसी के अंतर्गत हमारे भाई पंडित जी से निवेदन है, ग्रामवासियों से निवेदन है कि अधिकारी और नेता लोग तो यहाँ बात करके चले जाते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आपके बरसात के टाइम जो ऊपर का जो पानी रहता है छत का, एक पाइप लगवाएं और 10x10 का गड्ढा करवाएं, उसमें बोल्डर और मुरम बजरी डलवाएं, तो जो पानी सोखेगा उससे हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आएगा, वो जो नल खराब पड़े रहते हैं ये निश्चित ही उसमें पानी बढ़ेगा। आप अभी अभिषेक यात्रा हमारी माता बहने और समूह की यहाँ पर साथ चलकर यहाँ पर सरपंच साहब ने वहाँ जो जगह रखी है वहाँ का शुभारम्भ करेंगे, और हमारी माता बहनों से मैं निवेदन करूँगा वो भी जल को बचाएं, क्योंकि आपको सब विट्ठल पार्क अटल उद्यान के सामने अहमदपुर रोड साई मंदिर के पास इस्कॉन मंदिर का भव्य भूमि पूजन संपन्न हुआ। संत व गुरुओं की उपस्थिति में भव्य श्री कृष्ण इस्कॉन मंदिर का निर्माण हुआ। भूमि पूजन अवसर पर विट्ठल दास महेश्वरी, प्रियंक गगरानी, कमलेश गगरानी, बलदेव राज खुराना सहित वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जल अभिषेक यात्रा माधवगंज चौराहे से शिवकांच मंदिर से किलेंदर स्थित विजय मंदिर के लिए रवाना होना थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन न होने के चलते यहीं पर रोक दिया गया। विजय मंदिर आयात करो, आज क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है विजय मंदिर, जिसे लोग बीजा मंडल के नाम से जानते हैं, जो एक ऐतिहासिक धरोहर विदिशा की जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है वहाँ पे, और एक हिंदू धर्म का मंदिर जो बंद है, जहाँ आज पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ विदिशा जैसी प्राचीन नगरी में मंदिर बंद है। भगवान मतलब आप आज़ादी का महोत्सव मना रहे हो, भगवान को आपने बंदी बना रखा है, ये गलत तरीका है। हम प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि मंदिर को शीघ्र से खुलवाया जाए और जनमानस के लिए पूजन की व्यवस्था करी जाए, मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मंदिर की खुदाई जो शेष रह गई वो खुदाई हो, मंदिर में जो बावड़ी है उसकी सफाई हो, और जिससे आम आदमी वहाँ जाके पूजन अर्चना कर सके। उसको लेके हम विजय मंदिर संघर्ष यात्रा के नाम से आज यहाँ जल अभिषेक के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं और मेरी पत्नी के साथ हम यहाँ से मुख्य मार्गों से होते हुए विजय मंदिर के बाहर जाएंगे और जल अभिषेक करेंगे। आज की खबरों को देते ही बरकरार, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिए लवनी सेन एमटी न्यूज, हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।